जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कन्या की दुनिया में। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने के कारण आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बृहस्पति अश्विनी मास के एकादशी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र रविवार दिन 13 तारीख नवा महीना सितंबर का महीना 2020 से अपनी चाल बदल रहे हैं। बृहस्पति 13 सितंबर से धनुराशि में मार्गी हो रहे हैं और 20 नवंबर तक इसी में गोचर करेंगे। दो देवगुरु बृहस्पति का धनुराशि में मार्गी होना चंडाल दोष की समाप्ति का समय माना जाता है। ग्रहों के राजा बृहस्पति सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे। इससे पहले जून में बृहस्पति धनुराशि में आए थे। गुरु को जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति को धन कर्म सुख सुविधा का कारक माना जाता है, इनके स्वामी माने जाते हैं। दोस्तों, गुरु के मार्गी होने से आपको खास लाभ होने वाला है। दोस्तों, कुंडली में गुरु धनुराशि में स्थित है। गुरु की जो दृष्टि है अष्टम दशम द्वादश भाव पर पड़ रही है। मंगल शनि की पूर्ण दृष्टि गुरु पर है। इसमें क्या परिणाम रहेगा आप लोगों के लिए, बात सबसे पहले स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से जो स्वास्थ्य की समस्याएं चली आ रही थी, रक्तचाप के मरीजों को ज़्यादा समस्या आ रही थी, उन लोगों को आराम मिलेगा। इस अवधि में स्वास्थ्य जो है आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में क्लेश जो चले आ रहे थे, बड़े दिनों से जो क्लेश चल रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। पारिवारिक शांति रहेगी। कुछ मुद्दों पर बहस तो हो सकती है, परंतु आपको शांति से उस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। अपने जिह्वा पर लगाम रखिए, कटु बोलने से बचिए, कड़वा बोलने से बचिए, प्यार से काम निकालिए। समय आपके साथ तभी देगा जब आप अपना काम आराम से प्यार से किसी के साथ निकाल लें, क्योंकि आप जो इस समय उत्तेजित अवस्था में रहेंगे, कुछ उल्टा सीधा किसी को ना बोलिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पुरखों की ज़मीन विवादित थी, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, विजय मिल सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई मुद्दा चल रहा था जिसमें आपके पूरे परिवार को परेशानी में डाल रखा था, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, इसमें आपको विजय मिल सकती है। बात करियर की करें तो करियर के क्षेत्र में जो जातक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी के लिए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश खत्म हो सकती है, उनको मनचाह नौकरी मिल सकता है। करियर में आप अपनी ऊँचाइयों को छू सकते हैं। इस अवधि में आपको मनवांछित जॉब मिलने वाला है। कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनको स्थानांतरण इस अवधि में देखने को मिल सकता है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। करियर के क्षेत्र में आपको पदोन्नति का भी सौभाग्य इस अवधि में प्राप्त होगा। कई दिनों से आप ये चाहते थे, यह सुख आपको मिले। पदोन्नति हो, पदोन्नति बढ़ेगी, धन लाभ भी साथ में बढ़ेगा। धन संपत्ति की बात करें तो आपने अगर कहीं इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्ट से आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस अवधि में। आने वाला फ्यूचर को लेकर आप धन कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको सलाह भी दी जाती है कि सही है, फ्यूचर को सोच के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी रकम इन्वेस्ट करिए, समय अच्छा है, इन्वेस्ट करिए, फ्यूचर में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ऐसे योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ होगा। आपने किसी को कर्ज दिया था जो विवादास्पद मुद्दा का रूप ले चुका था, आपको वापस नहीं मिल रहा था, उस विवाद में आपको विजय मिल सकती है। आपका जो पैसा उसको किसी हाल में भुगतान करना पड़ सकता है, आपको वो पैसा किसी हालत में आपको लौटाना पड़ सकता है, वो सामने वाला आपको पैसे लौटा देगा, जिससे आपके अनेक रुके हुए कार्य जो हैं धन की वजह से रुके हुए थे, वो आप इस अवधि में पूरा करने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। प्रयास करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो जो प्रेमी जातक विवाह में बंधना चाहते थे, तो उनके लिए अच्छा शुभ समाचार है। वो लोग फ्यूचर को लेकर बात कर सकते हैं अपने घर वालों से, और घर वाले भी इस बात को मान लेंगे, आप लोग का फ्यूचर अच्छा जाएगा, प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा। वैसे जातक जिनका प्रेम संबंध में विवाद चल रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर उनको सलाह दी जाती है
कि छोटी छोटी बातों को आपस में बैठ के क्लियर कर लें, अच्छे से बात कर लें, क्योंकि छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़े समस्या का कारण बनती हैं। इसलिए जो हो अभी से ही बैठ के उसको डाउट को क्लियर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी देखने को इस अवधि में मिल सकती है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें आप ना घुसिए, नया काम मत शुरू करिए। व्यवसाय अगर नया शुरू करना चाहते हैं तो मत करिए। आपको सलाह दी जाती है कि नया व्यवसाय बिल्कुल ही मत करिए। पुराने व्यवसाय में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करिए, समय अच्छा है, इन्वेस्ट करिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। नया व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, आपके लिए समय जो है अच्छा नहीं है, किस्मत का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके ऊपर पड़ रही है। इसलिए नया बिजनेस करना अभी अच्छा नहीं है, पुराने बिजनेस पर ही ध्यान दीजिए, नया कुछ दिन के लिए रुक जाइए। परंतु पुराने व्यवसाय में आपको लाभ देखने को मिल सकता है, इन्वेस्ट किया है तो उसमें प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों, बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, इसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। आपका आने वाला समय मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं।